सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है, आई केयर ऑप्टिकल्स। मेरा नाम फरमान सैफी, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि रिफ्रैक्शन आई टेस्टिंग कैसे की जाती है। चलो शुरू करते हैं। चलो गाइज, तो अभी आपको हम बताते हैं ऑटो रेफ मशीन कैसे होती है। तो ये हमारी मेट्रोनिक्स की ऑटो मशीन है और ये टेबल यूनिट है और ये पेशेंट चेयर है, ये डॉक्टर चेयर है, यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट, फिर उसके बाद जो है पेशेंट यहाँ पे अपना चिन रेस्ट रखते हैं, ये हेड रेस्ट के लिए है, जो भी कंप्यूटर मशीन से एक स्लिप दी जाएगी उसमें सिलेंड्रिकल पावर भी हो सकती है, स्फेरिकल पावर भी हो सकती है। तो उसके बाद हम मैनुअल टेस्टिंग करते हैं। तो मैनुअल टेस्टिंग के लिए यह हमारा ट्रायल फ्रेम होता है, इसमें यहाँ पे डिग्री एंगल होते हैं 70, 90, 110, जो भी सिलेंड्रिकल पावर की एक्सिस आएगी, जो डिग्री आएगी उस सिलेंड्रिकल पावर को हम इसमें रख करके सेट करेंगे। फिर ये होता है हमारा ट्रायल सेट। ट्रायल सेट में ये हमारी स्फेरिकल पावर है, ये सिलेंड्रिकल पावर है माइनस की, ये प्लस की सिलेंड्रिकल पावर है, ये हमारा प्लस स्फेरिकल पावर है। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी विजन को क्लियर कराते हैं। फिर इसके बाद पेशेंट यहाँ पे बैठ जाता है, तो कोई भी डिस्टेंस हो वो 6x6 विजन रहता है। ये हमारा विजुअल ड्रम है, इसमें ये कुछ अल्फाबेट लेटर होते हैं, ठीक है। इधर हमारा मिरर है, इसके जस्ट अपोजिट मिरर रहता है, उस मिरर में हमें विजन रीड कराना होता है। तो यहाँ पे आके हम 6x6 हमारा नॉर्मल विजन रहता है। इसमें और भी भाषाएं हैं जिससे कि आसानी हो जाए पेशेंट को पढ़ने में, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ड्यूक्रोम टेस्ट भी कराना होता है रेड ग्रीन कलर के लिए। तो गाइज, आज हमने आपको कंप्यूटर मशीन द्वारा आई टेस्टिंग कैसे होती है और मैनुअल आई टेस्टिंग कैसे होती है इसके बारे में बताया है। तो आगे देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।